हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो विल बी इन पंजाबी लैंग्वेज एंड टॉपिक इज रिटेल लेक्चर एंड समराइज स्पोकन टैक्सट। रिटेल लैक्चर जरा कि स्पीकिंग का सैक्शन है। जे तुम रिटेल लैक्चर या समराइज स्पोकन टैक्सट प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, इस वीडियो तो बाद चो मैं नहीं लगता कि वह प्रॉब्लम रहेगी, जड़ों खत्म कर देनी असी। कि रिटेल लैक्चर पूरी वीडियो ध्यान ना देखनी है, फिर फायदा वीडियो देखने का। जो कोई काम हैगा वा या वैसे टाइम पास वास्ते वीडियो देख दे हो, फिर कोई फायदा नहीं। जो एंड तक देखोगे तो कंसैप्ट क्लीयर होने, नहीं तो हवा जी गल्लां रहनी है। रिटेल लैक्चर जिहड़ा कि स्पीकिंग का सैक्शन है एंड ये अंदर लिसनिंग के भी स्कोरस होंगे है। हुण तुहाडे जे लिसनिंग के स्कोर नहीं आते पेना, यह भी गलती हो सकती है। वन और टू क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली वन क्वेश्चन आएगा। तो जिहड़ा रिटेल लैक्चर हैगा वो तीन चीज़ों के उपर डिपेंड हैगा, कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी ते प्रोनंसीएशन। मैं शॉर्ट हैंड इंग्लिश यूज़ करता, मैं पेपर च नहीं करनी तुहानू समझाउण वास्ते। कंटेंट की हो गया डेटा, ओरल फ्लुएंसी स्पीच, प्रोनंसीएशन मीनस क्लैरिटी। तुहाडे को की होएगा रिटेल लैक्चर विच ऑडियो प्ले होएगा, जिहड़ी ऑडियो की लेंथ होएगी वह 1 मिनट तो लैके 2 मिनट्स के बीच हो सकती है, 1.5 मिनट, मतलब डिपेंड करता, कई बार वड्डा भी आ जाता, कई बार छोटा भी आता, मोस्टली 1 to 1.5 होंगी है। तो जो स्पीकर ने लैक्चर बंद किया तो देखो प्रैपरेशन जो टाइम हैगा, प्रैपरेशन टाइम लैक्चर तो बाद चो जो खत्म किया सिर्फ 10 सैकेंड्स है, बहुत ज़्यादा घट है। हूँ बच्चे सोचोगे 10 सैकेंड्स तो उदा ही बीच जाने की करिए। आप जो 10 सैकेंड खत्म हो गए तो 40 सैकेंड वास्ते रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जानी है। हुण जे तुसीं ये सोचते हो कि 40 सैकेंड्स बोलना जरूरी है तो तुसीं गलत सोचते हो। गोल्डन रूल याद रखो, सब तो पहला असी कोशिश ये करनी है 15 to 25 सैकेंड्स के बीच असी अपना रिटेल लैक्चर खत्म करना है। ठीक है जी, रिटेल लैक्चर नू कवर करने की कोशिश करनी है 15 to 20 सैकेंड्स के बीच। हुण तुहाडे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि साढ़े को इन्ने सारे कीवर्ड्स हैगे ने तो असी किद्दां कवर कर पावांगे, बिकॉज आप इन्ने सारे कीवर्ड इकट्ठे किए हुए, तुम कह रहे हो 15 to 20 सैकेंड गल करो बस, उस तो बाद ना गल करो। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो करना की है एक्चुअली दे विच साडा जिहड़ा मेन फोकस होएगा वह ये नहीं होएगा कि असी ज़्यादा तो ज़्यादा बोलीए। कई बच्चों बहुत सारे तरह दी प्रॉब्लम आदि हैं, जिदा कि फस्ट प्रॉब्लम उन्हों को कीवर्ड्स ही इकट्ठे नहीं होंगे, बोलन की तो बाद चो गल है, कीवर्ड ही नहीं इकट्ठे हुए। सैकेंड प्रॉब्लम, कीवर्ड्स इकट्ठे हो गए बोलन का ढंग नहीं आता। थर्ड प्रॉब्लम, टैंपर तो है साढ़े को लेकिन उन्होंने इस्तेमाल करना नहीं आता रियल एग्जाम के बेचे, तो असं आप यही सोचते पे हैं कि टैंपलेट कहड़ा यूज़ करिए जो 90 out of 90 आ जाए। आप अलग अलग टैंपलेट यूज़ करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक फस्ट टाइम तुम एग्जाम दिता लेकिन वो चो नंबर नहीं आए तो तुम की करूँगे, तुम दूजा टैंपलेट भर लूँगे। मैं किसी अपने वो बच्चे का टैंपलेट ले लव जिदे नंबर ज़्यादा आए, पर इदा नहीं होंगे। ठीक है जी, सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम इस करके आती है कि बच्चे को कीवर्ड इकट्ठे नहीं होंगे। जो कीवर्ड इकट्ठे हो जाए तो उन्होंने को बाद चो की होंगे कि बोलिया ही नहीं जाता। मैं सब चीज़ें दसूँगा तो कैलकुलेशन किदा होंगी है, PTE रिटेल लैक्चर ते समराइज स्पोकन टैक्सट की, यह भी दसूँगा। ये अंदर स्पीकिंग ते लिसनिंग दे स्कोर्स है। हुण आपां गल करदे हां समराइज स्पोकन टैक्सट की। समराइज स्पोकन टैक्सट दे केस दे विच तुहाडे को लिसनिंग दे स्कोर्स है, ये नाल नाल राइटिंग दे भी स्कोर्स तुहाडे को हैगे ने। तुहाडे को 10 मिनट्स का टाइम होंदा इहनू समराइज लिखण, समराइज लिखण टैक्सट नूं करन वास्ते। ऑडियो प्ले होगा सेम लाइक रिटेल लैक्चर, कीवर्ड्स नोट डाउन कर दूंगे। तुसी 50 to 70 के 70 वर्ड्स के एक समरी लिखनी होंगी है,
हुण केड़ी बेस्ट बेस्ट लेंथ केड़ी हैगी है, देखो बेस्ट जिहड़ी लेंथ हैगी है वह हैगी है 65 to 70 दे विच विच। वैसे तो मतलब ये मैं क्यों कह रहा क्योंकि अंदर ज़्यादा कीवर्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे, हुण कई बच्चे मोर दैन 70 वर्ड्स भी लिख देंगे है तो अपने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हुण देखो गाइस आपां करना की है, आपां किहड़े किहड़े चीज़ां का खास ध्यान रखना हैगा जिहदे नाल साडे वधिया स्कोर आ जाए, ठीक है। समराइज स्पोकन टैक्सट की मैं सब तो पहला गल करांगा, समराइज स्पोकन टैक्सट दे विच इह तां तुहाडे बेसिक हो गया क्लीयर। समराइज स्पोकन टैक्सट दे विच असीं कुछ गल्लां का खास ध्यान रखना जिदा कि मिसटेक्स हो सकती है साडियां समराइज स्पोकन टैक्सट के केस च। फस्ट मिसटेक ग्रामर मिसटेक, नैक्सट मिसटेक अपनी आ गई स्ट्रेट मूवमेंट, स्पेलिंग, थर्ड वोकैबुलरी, फोर्थ ग्रामर स्पेलिंग वोकैबुलरी कॉमा मिस्टेक फुल स्टॉप, ठीक है जी। लेंथ दी मिस्टेक, ये छोटी छोटी बेसिक गलतियां जिहड़ियां हुंदियां वाकई, ये ना सोचियो कि मेरे को नहीं होंदी तो बाकियों को नहीं होंदी, तुहाडे को भी हो सकती है, नैक्सट टाइम के उपर ध्यान रखियो, ठीक है जी। कॉमे लोगी कनैक्टर्स ऑल गुड, कनैक्टर्स की मिसटेक होगी राइट। सो ये कॉमन गलतियां हैं जिदा तुसी कुछ कीवर्ड्स लिखते हो बट और स्पैलिंग नहीं आते, लिखा तो होया तो वाली प्रॉब्लम क्रिएट होंगी है। सो वो कीवर्ड लिखो ही ना जिसे स्पैलिंग नहीं आते, रीटा लैक्चर के केस के लिख सकते हो, उन्होंने बोल सकते हो, गलत प्रोनाउंस कोशिश करो ना करो बट वो लीव करो अवॉइड करो। हाईफाई वोकैबुलरी यूज करने दे नाल ज़्यादा नंबर नहीं आते, ये तुहानू किन्ने कहता। कॉमा, कॉमे की मिसटेक, कॉमे के पिछे स्पेस आती ना कि अगे, फुल स्टॉप के पिछे स्पेस आती है ना कि अगे, लेंथ जी होनी चाहिए सही होनी चाहिए है। यूज ऑफ कनैक्टर्स मोर ओवर प्रॉब्लम फर्दर, एक होर गलती करते बच्चे नाउन, यूज ऑफ नाउन मतलब जिदा एक वर्ड लिखना है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जे तुम ए छोटा पाता गलती, जिन्हें भी नाउन होंगे है कंट्री नेम सिटी नेम परसन नेम, ठीक है, जेडे भी नाउन होंगे है कंपनी का नेम एब्रीवेशंस है ना, वो सारे बड़े अक्षर तो शुरू होंगे है, एब्रीवेशंस का सारे बड़े ही वर्ड्स यूज होंगे जिदा WFO जिदा PTE, PTE की फुल फॉर्म की है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, इस करके PTE यूज किया गया, इस करके ए वड्डे कैपिटल लैटर च तीनों यूज होंगे। सो ये गलतियां ना करो, इस करके तुहाडे नंबर करते पे। हुण आपां गल करते हैं कि असी कीवर्ड्स कितना कलैक्ट करने हैगे आ, ठीक है। रीटा लैक्चर के केस दे विच तुसी भी यही गलतियां कर रहे हो कि ज़्यादा तेज बोलते पे हो, रुक रुक के बोलते पे हो, स्लो बोलते पे हो, एंड फॉरनर एक्सेंट तुसी यूज करते पे हो, ये सारिया गलतियां होंदियां हैगियां। रीटा ए मिस्टेक्स आ, फॉरनर एक्सेंट सब तो वड्डी गलती, ठीक है। उस तो बाद चो स्लो स्पीड, फास्ट स्पीड, प्रोनंसिएशन सब तो वड्डी गलती, कोई वर्ड नहीं आता तो आपां नूं करदे पए हैं, ठीक है। हुण इहनूं करना किद्दां है, फॉरनर एक्सेंट करी इस्तेमाल ना करो, अपनी तसल्ली ना दवो। कई बच्चे दे नंबर नहीं आते, वो ये सोचने लग जाते हैं कि आप फॉरनर एक्सेंट का इस्तेमाल करिए नंबर आऊगे, ना। स्लो स्पीड नहीं बोलनी, फास्ट नहीं बोलनी, प्रोनंसिएशन जिस वर्ड की नहीं आती है रीटा लैक्चर के केस के बोलो ही ना, बैटर ऑप्शन गलत नालों बोलो ही ना। हुण तुहाडे सामने मैं दिखाऊंगा कि आप कलैक्ट किदा करने कीवर्ड्स। बच्चे सोचते हैं कि आप हर एक लाइन नूं कवर करने की कोशिश करिए, कीवर्ड इकट्ठे करिए कि वर्ड्स इकट्ठे करिए, ठीक है ना। सो जरूरी ये नहीं है कि जे तुसी कीवर्ड मतलब लाइनस नहीं इकट्ठियां कर पा रहे तो आपां उहनूं वधिया नंबर नहीं आणगे। आपां मैं एक क्वेश्चन प्ले करदा, शायद तुहानूं भी वो सुनेगा क्वेश्चन।
जस्ट वेट अ मोमेंट, ध्यान ना मैं देखियो सुनियो देखियो कि मैं किदा कर रहा कलैक्ट, जरूरी नहीं है। How old is your four-legged best friend? Common wisdom says that a dog dodges 7 years for every human year. But Tina Wang, a graduate student at the University of California, San Diego, wanted a more accurate assessment. Her quest started 5 years ago when she rescued a dog from a shelter. I kind of just wanted to ask how old she was because I felt like they were giving me an age that was very sensible. But I wasn't sure she was actually that old. So that kind of started this whole project. Wang worked in Trey Edgar's lab, where they study changing patterns of DNA methylation in humans, small chemical entities called methyl groups, attached to stretches of DNA, which affects what sequences are active. As we age, some stretches of DNA get more methylated, and others less. The pattern is so consistent over the course of most people's lives that it can be used as an aging clock. The same process happens in dogs, and published reports existed from other labs about methylation patterns in dogs changing over time. ठीक है, हुण तुसीं देखिया कि मैं एक दो लाइनां दे विच रुकिया भी है, मैंने सुनाई नहीं दिता। कई बार इधर ही लाइन आ जाती है, वो मतलब सुनाई नहीं दी। हूँ आप नंबर ऑफ कीवर्ड्स देख लें कितने इकट्ठे किए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कीवर्ड्स आते हैं। राइटिंग थोड़ी जी मेरी इदा दी है क्योंकि फटाफट लिखना होंगे, ताड़ी भी उदा ही होगी। मैं बोल के सुना रहा, बेस्ट फ्रेंड डॉग 7 ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट कैलिफोर्निया 5 ईयर्स अगो, डॉग्स फ्रॉम शेल्टर सेंसिबल प्रोजेक्ट स्टडी चेंजिंग DNA स्मॉल चेंजेस एंटिटीज सम DNA ओवर द कोर्स एजिंग सेम प्रोसेस हैपन्स इन हैपन्स ऑन डॉग इन डॉग चेंजिंग ओवर टाइम। हूँ कई इदा कीवर्ड्स ने जेने मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रहा, तो धक्के थोड़ा बोलना सी, जरूरी नहीं है। जे तुम नहीं मतलब सही तरीके ना कर पा रहे हो, डजंट मेक सेंस कि लाइक उन्होंने तुम बोलो। हूँ मैं तो चलो देखो 17 कीवर्ड्स इकट्ठे कर ले, जिन्होंने कुछ लाइनस भी नहीं सी जो भी इकट्ठी कर लिया, बट हूँ तुम कर पा रहे हो कि नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हूँ पहला केस जो साढ़े को कीवर्ड ही बहुत घट हो, मैं कहना तेरे को कीवर्ड ही आ लो 7 कीवर्ड्स। मैं आ सिर्फ ये बेसिस उपर तुम बोल के दिखाऊंगा लैक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल डजंट मैटर तुम कि टैंपलेट यूज करते पे हो, उन्होंने वधिया तरीके ना बोलो। आप सिंपल इंग्लिश दे विच बोलीए, सब तो पहला सारा टॉपिक की है डॉग्स के उपर। द लैक्चर वॉज बेस्ड ऑन डॉग्स, द स्पीकर एक्सप्लेन जो बोलिया गया कोई चक्कर नहीं। हूँ प्रेजेंट टेंस से बोलना पास्ट से बोलना डजंट मैटर। SESED इज आर एम हैज हैव हैड गलत बोलिया जाता कोई चक्कर नहीं। सिंगुलर की जगह प्लूरल बोलिया जाता रीटेल लैक्चर के केस में कोई चक्कर नहीं। ओके, सो द लैक्चर वॉज बेस्ड ऑन डॉग्स, द स्पीकर एक्सप्लेन डॉग इज द बेस्ट फ्रेंड, ही ऑल्सो मैंशन ग्रेजुएशन स्टूडेंट इन कैलिफोर्निया, ही एक्सप्लेन 5 ईयर्स अगो डॉग शेल्टर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू कंक्लूड दिस लैक्चर वॉज बेस्ड ऑन बेस्ट फ्रेंड एज डॉग्स। ये मतलब सिचुएशन है जो लाइक तुहानू कीवर्ड्स बहुत घट मिलन, सिर्फ 7 कीवर्ड्स। थोड़े जे जे तुसी ज़्यादा कीवर्ड इकट्ठे कर लैंदे हो, जिदा मान लो इत्थों दी इत्थे तकन कर लैंदे हो, फिर साडा लैक्चर थोड़ा वध जाएगा। द लैक्चर वॉज बेस्ड ऑन डॉग्स, द स्पीकर एक्सप्लेन बेस्ट फ्रेंड इज डॉग, मोर ओवर स्पीकर मैंशन ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स फ्रॉम कैलिफोर्निया 5 ईयर्स अगो, ही ऑल्सो एक्सप्लेन डॉग्स फ्रॉम शेल्टर एंड सेंसिबल प्रोजेक्ट एंड स्टडी इन टू DNA चेंजेस To conclude, this lecture was based on small changes entities and dogs. कोई चक्कर नहीं, थोड़ा जहा हूँ होर बधा लो
तो जो तुम ज़्यादा कीवर्ड इकट्ठे कर लेंगे हो तो इनू कि बोलना तीन तीन का पेयर बना के बोल दो, जरूरी नहीं है 40 सैकेंड्स तक बोलना है। द लैक्चर वॉज बेस्ड ऑन बेस्ट फ्रेंड, द स्पीकर एक्सप्लेन्ड डॉग्स आर द बेस्ट फ्रेंड, ही ऑल्सो मैनशन ग्रेजुएशन स्टूडेंट कैलिफोर्निया 5 years ago एंड डॉग्स फ्रॉम शेल्टर विच इज सेंसिबल प्रोजेक्ट एंड स्टडी, ही ऑल्सो एक्सप्लेन्ड सम चेंजेस ओवर DNA एंड स्मॉल चेंजेस एंटिटीज, सम DNA आर चेंजिंग, मोर ओवर स्पीकर एक्सप्लेन्ड ओवर द कोर्स एजिंग सेम प्रोसेस हैपन्स इन dogs and changing over the time. To conclude, this lecture is based on dogs. चाहे तुसी इन्ना ना भी बोलो, मैं कहना तुसी इत्थों तक भी बोल दूंगे ना तां भी बहुत वधिया की है। SESED दा जे गलत बोलिया जांदा नो प्रॉब्लम, लेकिन बोलना तुसी है। YouTube दे नाल तुसी सिखदे दा पाए हो, लेकिन बोलना तुसी आप है। जे नहीं बोलूंगे नंबर नहीं आने, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। राइट, हुण आपां गल करदे हां समराइज स्पोकन टैक्स्ट दे केस दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुहानूं कोई वर्ड लिख लैंदे हो, डजन मैटर कि तुसीं लिख लिया, तो उहनूं लिखना ही लिखना है, मतलब वो कीवर्ड दे विच पाणा ही पाणा। फॉर एग्जाम्पल लाइक कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया दा पहला अक्षर आएगा वड्डा सी, हुण तुसीं छोटा लिखोगे गलत हो गया। तुसीं सुनिया तां है, लेकिन तुसीं लिखदे पए हो छोटा, लेकिन वो गलत है। फिर तुसी कहोगे गल की है, नंबर मेरे क्यों नहीं आंदे पे, इसे करके नहीं आंदे पे बिकॉज यू आर राइटिंग स्मॉल लैटर इंस्टेड ऑफ कैपिटल। ठीक है, सो कुछ गल्लां दा खास ध्यान रखो। तो मैनू मान लो कैलिफोर्निया नहीं आंदा, ना लिखो द लैक्चर वॉज बेस्ड ऑन डॉग्स, इतों लाइन शुरू कर लो। तो कोई टैंपलेट वगैरह कोई खास हाईफाई टैंपलेट यूज़ करने की लड़ नहीं है, जो तुहाडे को टैंपलेट है ठीक है, जो नहीं है सिंपल लिख दो द लैक्चर वॉज बेस्ड ऑन टॉपिक, द स्पीकर एक्सप्लेन दिस, ही ऑलसो मैनशन दिस। पर एक गल का खास ध्यान रखो, समराइज स्पोकन टैक्स के केस के अंदर हर एक लाइन शुरू कर लगे तुसी एक कीवर्ड, अपना कीवर्ड इन द सेंस लाइक कनैक्टर्स का इस्तेमाल करो, मोर ओवर, प्रोबिंग फर्दर, हाउ एवर, additionally, है ना, इन addition to conclude, अपने लेंथ जी होएगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, सो ये सारिया गलों का तुम खास ध्यान रखना। हूँ आप गल करते हैं कि मार्क्स किदा कैलकुलेट होंगे, सारा टॉपिक पता लग गया मार्क्स कैलकुलेशन। हूँ देखो, मैं जे मान के चलना हूँ तुहाडे को भी टैंपलेट अपना हैगा वा, किसी होर इंस्टीट्यूशन को जाऊँगे और को अपना टैंपलेट है, और बच्चों के भी 90 out of 90 आ चुके हैं, मेरे स्टूडेंट के भी अच्छे स्कोर आ चुके हैं 90 out of 90 कई। हूँ आप रीटेल लैक्चर की जो गल करिए, हूँ जेडे मैं अपना एक्सपीरियंस दसदा पाया, ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस दसदा पाया कि कोडिंग किदा हुई होएगी। ठीक है, असी तो ये बेसिस उपर बच्चों तैयार करीदा। हूँ मान लो 100 words का एक पूरा का पूरा लैक्चर जो आप हमने सुनिया वा वो पिछे ऐड किया है। हूँ की पता ये पिछे कोडिंग हुई हो कि जोड़ा बच्चा 15 words कवर कर दे उन्हें पूरे नंबर दे दो 5 of 5 कंटेंट चो, जोड़ा बच्चा 10 to 14 words करता उन्हें इन्ने नंबर दे दो, आ 15 to 11 वाले 5 दे दो, या इदा कर लो, तो जोड़ा 5 to 9 के विचकार है उन्होंने 3 दे दो, 1 to 4 के विचकार है उन्होंने 2 दे दो, जिन्हें कुछ नहीं बोलिया उन्होंने 1 or 0 दे दो, मतलब काइंड ऑफ इदा है। मतलब आप कोशिश ये करनी है कि 10 to 15 कीवर्ड्स मिनीम आप कवर करने ही करने हैं, कोशिश करो, या मिनीम 8 कर दो भी बहुत है, पर इन्ने तो होने चाहिए ही है। जे तुम इन्ना नहीं लिखोगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। तुम चाहते हो कि मेरे नंबर ज़्यादा आन पर करते भी कुछ नहीं पाए, इदा थोड़ा होंगे। ये ट्रिक्स हैगियाँ यूज होंगे, बट इदा भी नहीं ना है कि लाइक बिना कुछ सोचे समझे आप कर लिए यूज, सो ये प्रॉब्लम क्रिएट होंगी है। उस तरह समराइज स्पोकन टैक्स के केस के मान लो साढ़े को 100 keywords है, अगला की चैक करता वा ग्रामर सही है, ओके, स्पैलिंग सही है, ओके, तुसी समराइज स्पोकन टैक्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैक करो PT स्कोर गाइड के उपर, उन्हें क्या ग्रामर के नंबर इन्ने, स्पैलिंग नंबर इन्ने, वोकैबलरी यूज़ करता इन्ने हो गए, फॉर्म यूज़ करता इन्ने हो गए, कंटेंट यूज़ करता इन्ने हो गए। हूँ फॉर्म की है, अगर तुम 50 to 70 कीवर्ड्स के बच्चे लिख लें हो ना, तो 2 numbers तो उदे मिल जाते। हूँ जो ये भी नहीं लिखोगे तो 2 numbers गए, या 1 number गया, या 50 थले लिखोगे, 50 थले लिखने का मतलब की है, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हुई पाई, बस आप चले गए हैं कि चलो जी पेपर दे आइए, बच्चों ने कहता कि 50 overall या 50 सौखे होंगे, PT सौखी है, तो साढ़ा भी एवं निकल जूगा, इदा नहीं होंगे, सारे का लैवल अलग अलग होंगे। तो यह भी जरूरी नहीं है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने ज़्यादा नंबर आन, बढ़िया तरीके राइट गाइडेंस लैके तुम जाओगे पेपर जल्दी निकलूगा, टाइम भी बचूगा, पैसा भी वेस्ट नहीं होएगा। सो ये सारिया गलतियां का खास ध्यान रखो।
आई होप ये तुहानू वीडियो वधिया लगी होएगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होएगा। नीचे कॉमेंट जरूर कर दियो, क्योंकि यही कॉमेंट सानू मोटिवेट करते हैं कि आप वधिया काम कर रहे हैं ते पंजाबी दे विच वीडियो बना रहे हैं। तो होर पंजाबी दे विच वीडियो देखने वास्ते तुसी कमेंट करो कि हाँ जी होर कढ़ो वीडियो, टॉपिक नीचे मैनशन करो, तो नाल हैशटैग निखिल पीटी जरूर ला दियो, बिकॉज ये सानू मोटिवेशन मिलता कि यार आप वधिया चलते पे। हाँ जी बाकी बच्चों वधिया आता पे। तो रीटा लैक्चर से समराइज स्पोकन टैक्स के केस के अंदर आप कितना कीवर्ड कलैक्ट करने हैं सारा कुछ कर लिया। इस तो अलावा कोई होर डाउट है नीचे कॉमेंट कर दो, अदरवाइज तुम साढ़े तो कोचिंग लै सकते हो, बिकॉज जरूरी यह नहीं है कि तुम जे सारे कीवर्ड लिख लिया तो नंबर वधिया आ गए। उन्होंने बोलते किदा पे हो वो किसी वैबसाइट के उपर तुम 100% सही नहीं जज कर सकते। कई बार वैबसाइट तुम्हें वधिया स्कोर दे दूगी, कई बार नहीं। सो जे तुसीं सिर्फ वैबसाइट के उपर सहारे जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो बैटर ऑप्शन की है, एक वधिया टीचर को कोचिंग लैके मैस कोचिंग करके फिर एग्जाम देन जाओ, रैदर दैन कि बार बार पेपर देिए। कई बच्चे इदा रहे आते मेरे को 12-12, 13-13, 14-14 बार पेपर देन तो बाद चो फिर कहें सर मैं कोचिंग लैनी है। ज़्यादा घंटे ला के ज़्यादा नंबर नहीं आते, नंबर तो आने हैं जे तुसीं वधिया परफॉर्म करूँगे। तो वधिया परफॉर्मेंस कितना चैक होएगी जे आपां तुहाडे टैस्ट लवेंगे। बैच सैशन है, 1-to-1 क्लास है, अपना सैशन बुक करा लई समझ देते के नंबर के उपर कॉल करो, वट्सअप करो। अगर बार बार स्ट्रगल करते पे हो, पेपर देने पे हो, तो तुम अपना स्कोर कार्ड भी मैं शेयर कर सकते हो, फिर आप दसांगे तुम्हें किन्ने वीक की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो के। मेरा भी हुण सा खत्म होने आ गया इन्ना बोलने के बावजूद। हुण देखो तुम कमेंट करते हो कि नहीं करते हो, हैशटैग निखिल पीटी जरूर करो ताकि सानू पता लगे कि तुम प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो। बेस्ट ऑफ लक।